मक्का में पैदाइश हुई। अब वहाँ पे ये रिवाज था मक्का के अंदर, या तो रिवाज था या फिर ये होता था कि वहाँ बीमारियाँ बच्चों के अंदर जल्दी फैल जाया करती थी वहाँ के माशरे के अंदर, या अब वायसु की जल्दी बीमारी होती थी, तो वो क्या करते बच्चे बहुत जल्दी मरते थे मक्का के अंदर। तो उनके यहाँ ये था कि इसलिए जो मक्का के लोग थे अपने बच्चों को गाँव के अंदर दूध पिलाने के लिए भेज दिया करते थे, और गाँव के अंदर ये उनका एक बिजनेस था औरतों का कि वो बच्चों को ले जाती थी शहर से और उनको दूध पिलाती थी, उनको गाँव में पालती बीमारी की वजह से या फिर उनका ऐसा रिवाज होगा। तो वहाँ पर ये अल्लाह के रसूल सल्लम को भी इसीलिए वहाँ पर ले जाएगा कि वहाँ दूध पिलाने। अब वो दूध पिलाने के लिए हर साल वहाँ पर औरतें आती थी, एक कुछ तय होगा वक्त उसके अंदर आती थी और सब बच्चों को इकट्ठे वहाँ से दूध पिलाने के लिए ले जाया करती थी। बच्चे उस साल में जो है पैदा हुए, उसके अंदर जब वो ग्रुप आया तो उसके अंदर हलीमा सादिया ये भी आई साथ में। अब ये साथ में आई, अब उनके गांव में उस साल क्या कहत पड़ा था, तो उनके इनकम का जरिया यही था और दूसरी चीज़ के कहत पड़ा तो चारा भी नहीं था, तो उनके पास एक ऊटीनी थी, तो ऊटीनी के अंदर भी दूध सूख गया और खुद ये बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी लेकिन इनके सीने में भी दूध सूख गया, तो ये भी दुबली पतली हो गई लेकिन फिर भी भरा लाई और एक गधी पर आई। सब गधे लेकर आए थे या घोड़े पर आए थे लेकिन ये गधी लेकर आई और गधी भी सुस्ती थी इतनी, चल नहीं रही। तो हमको मिलता है तारीख लिखने वालों ने लिखा कि लोग उसको जो है मजाक किया उनके करते कि भाई कैसी लेकर आ गई है, चल ही नहीं रही, सबसे पीछे पीछे करके वो वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर जब पहुँचने के बाद में ये हुआ कि सब बच्चों को लाया गया और सब बच्चों को औरतों ने भी चुना, वो भी देखती थी कि किस बच्चे को ले जाना है, तो सब बच्चों को उन्होंने चुन लिया। अल्लाह के रसूल सल्लम को जितनी औरतें आई थी सबके सामने पेश किया गया लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम को किसी ने नहीं चुना कि इस बच्चे को हम ले जाएं उन औरतों में से। उसकी वजह क्या थी, वजह उसकी ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लम के वालिद नहीं थे, वालदा थी और गुर्बती भी थी उनके पास में, इतना पैसा भी नहीं, तो वो औरतों ने इसलिए नहीं चुना कि इसको अगर ले जाएंगे तो फिर उजरत कितनी मिलेगी, मेहनताना भी मिलेगा कम मिलेगा, इसकी माँ क्या दे देगी, अगर मर्द होता इसका बाप होता तो ज़्यादा पैसा देता लेकिन ये है कि माँ क्या देगी, तो इसलिए भी नहीं चुना। और उधर क्या हुआ कि उन बच्चों के माँ बाप ने हलीमा सादिया को भी नहीं चुना क्योंकि उनकी पोजीशन देखी, उन्होंने कहा कि ये तो खुद ऐसी है तो ये क्या दूध पिलाई, इनकी हालत ऐसी नहीं लग रही, उधर भी नहीं चुना। तो तब अब इसके अंदर जो है हलीमा सादिया बच गई और अल्लाह के रसूल सल्लम बच गए। तो उसके बाद में फिर जो है उनके शोहर ने कहा कि अब एक ही बच्चा बचा है और अगर वापस ऐसी खाली हाथ लौट जाएंगे तो बदनामी अलग होगी और मिलेगा कुछ भी नहीं, तो एक काम करो बच्चे को ले लो। तो उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं बचे, बच्चा भी एक ही बचा है, अब जो कुछ मिलेगा मिलेगा ठीक, इसका कुछ जो भी मिल जाए। तो उन्होंने अब यह कि अल्लाह के रसूल सल्लम को हर एक ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने नहीं चुना उन औरतों ने, लेकिन अल्लाह ने ये निज़ाम रखा था, ये और ये निज़ाम होना था कि जिनको इतनी औरतों ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन आज ये पोजीशन है अल्लाह के रसूल सल्लम की, अल्लाह ने वो मकाम अल्लाह के रसूल सल्लम को दिया कि वहाँ तो रिजेक्ट हुए लेकिन आज उनके नाम पे हजारों बल्कि लाखों मुसलमान गर्दन कटाने को आज भी तैयार, ईमान के एतबार से ईमान कम भी हो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम के लिए तो तैयार है कि गर्दन भी कटवा लें, जबकि वहाँ उन्होंने वहाँ रिजेक्ट कर दिया। तो शुरुआत यहाँ से हुई और हलीमा सादिया उनको ले गई अल्लाह के रसूल सल्लम को, और वहीं पर के उनका क़याम था, उनके खेमे लगे हुए थे मक्का के अंदर कि सुबह उनको निकलना था, तो वहाँ पर थे। और वहाँ पर जब वो उनके पास में अल्लाह के रसूल सल्लम को ले लिया और उन्होंने खेमे के अंदर ही लेटाया, तो उसी रात ये हुआ कि उसी रात अल्लाह के उनके पास में लेटे तो उनके सीने में दूध उतर गया और उनकी जो ऊँटनी थी उसके थन में भी दूध आ गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम तो ये अल्लाह के रसूल बरकत है, जिसके साथ होंगे उनके साथ बरकत होगी, इसीलिए सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल सल्लम थे, जो सहाबा सुफा में रहते थे सहाबा सुफा सहाबा, वो बाद में इतने जो मालदार हो गए, इतना उनके पास माल हो गया कि कई कई सहाबा के ताल्लुक से तो मिलता है कि उनके पास पहाड़ हुआ करते थे, पहाड़ जैसे यानी सिल्ले होते थे सोने के, तकसीम करते थे तो उसको कुल्हाड़ियों से काटना पड़ता था, ये अल्लाह के रसूल सल्लम की बरकत है। और बरकत वो किसके साथ में रहने से बरकत, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में दो वक्त का सुबह शाम का खाना कभी अच्छा नहीं खाया, या तो एक टाइम खाते थे या फिर उसके अंदर भी एक जैसा अच्छे से मिल जाए दो वक्त का खाना उन्होंने नहीं खाया जिन पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल से, लेकिन उनके साथ बरकत थी और ये बरकत उस उन पर भी आई हलीमा सादिया के ऊपर भी। अब अल्लाह ये इनको ले गई वहाँ पर, और ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने रखा वहाँ पर,
और उनकी ज़िंदगी संवर गई। और वहाँ पर ये होता था कि दो साल रखते थे, दो साल के बाद में फिर वापस से छोड़ जाते थे, दो साल दूध पिलाने के बाद, ताकि बच्चा थोड़ा जो सेहतमंद हो जाता दो साल के बाद, तो उसे कोई बीमारी ना लगे, तो वहाँ पर छोड़ दिया करते थे। अब दूध पिलाने का वक्त पूरा हो गया, लेकिन ये भी गई वापस से, जब सब गई सारी औरतें, तो ये भी छोड़ने के लिए गई, लेकिन इनको इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल वसल्लम से हो गई थी कि इन्होंने फिर जैसे तैसे करके इनके वालदा को अल्लाह के रसूल, वालदा को हजरत आमना को उन्होंने मना लिया। जो कुछ भी उन्होंने कहा कि देखो अभी सेहत वहाँ अच्छी है, गाँव में अच्छी होती है सेहत, गाँव में वाकई में सेहत आबोहवा अच्छी होती है, तो सेहतमंद अच्छी होती है, लेकिन इल्म के नाम पर गाँव में कुछ नहीं होता, इल्म तो सिटी में होता है, तरक्की सिटी में होती है। तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा, लेकिन फिर बहरहाल वो कैसे करके उन्होंने मना लिया और फिर वापस ले गई। वो तकरीबन दो ढाई साल उन्होंने और रखा। अब उन्होंने जब वापस किया तो एक वाकया ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लम बच्चों के साथ में खेल रहे थे, और इतने में ये कुछ काम कर रही थी घर के अंदर, बच्चे बाहर खेल रहे थे सारे, तो वहाँ से बाहर से फिर आवाज़ आई, बच्चे शोर मचाने लगे कि मार डाला मार डाला मार डाला। तो ये हलीमा सादिया दौड़ करके बोले क्या हुआ, तब या तो अल्लाह के रसूल ने खुद बताया या फिर दूसरे बच्चे ने बताया कि वो ये कोई आया था और इन्होंने क्या किया कि इनका सीना जो है चाप कर दिया, चीरा लगा दिया और उसके अंदर से कुछ निकाल लिया, तो हम डर गए, मार दिया। तो उन्होंने ये देखा कि अब मतलब इसको यहाँ रखना, एक बार हो गया वापस भी हो सकता है, कौन था क्या पता, तो कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भरा लोग को वापस, उनकी जो वालदा के पास वो वापस छोड़ गई।